स्वागत है आपका एक बार फिर से इस रहस्यमयी, डरावनी, अनोखी, अनजानी और अनसुलझी दुनिया में। क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? क्या आपने भी कभी भूतों को देखा है? क्या भूत सच में होते हैं? अगर वाकई भूत होते हैं तो वो कैसे दिखते हैं? क्या भूतों के पास सिर्फ एक सफेद साड़ी होती है पहनने के लिए? आखिर कहाँ रहते हैं ये भूत? भूत, पिशाच, चुड़ैल, डायन, आत्माएं, इन सब से जुड़ी बहुत सी सच्ची और रहस्यमय घटनाएं आपने कभी न कभी जरूर सुनी होगी। ऐसे ही बहुत सी रहस्यमय भूतिया कहानियां मैं आपको अक्सर सुनाती हूँ। तो आज की भी हमारी कहानी ऐसे ही एक भूतिया घटना पर आधारित है। तो दिल थाम कर बैठिए, अब मैं आपको ले चलती हूँ उस भूतिया दुनिया में। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए चलते हैं उस दुनिया में और कहानी की शुरुआत करते हैं। काश हम उस बस में चढ़ गए होते तो शायद हम उस खतरनाक मंजर में न फंसते। उस हादसे से पहले तक मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जो हमारे साथ हुआ उसने हमें विश्वास दिलाने में मजबूर कर दिया कि सचमुच आत्माएं होती है। उस हादसे ने हमें अंदर से डरा दिया था। तो चलिए जानते हैं आखिर ऐसी क्या वजह थी जो हमें वहाँ तक ले आई। आज से 3 साल पहले, रोहन बेटा उठ जाओ, 7 बज गए हैं, तुम्हें अपनी रिसर्च के काम से बाहर जाना था ना? रोहन कहता है। क्या माँ, कितना अच्छा सपना देख रहा था, आपने जगा दिया। माँ ने कहा, अच्छा जरा मुझे भी तो बता, क्या देख रहा था? रोहन ने कहा, अच्छा तो सुनो, मैं कहीं जा रहा था, सुहाना मौसम था, मैं बस में चढ़कर कहीं जा रहा था, तभी बस में एक लड़की चढ़ी, वो दिखने में एकदम परी लग रही थी, मानो स्वर्ग की कोई अप्सरा हो। वो बैठने के लिए इधर उधर नजरें फेरने लगी, किस्मत से मेरे बगल वाली सीट खाली थी, तो मेरे पास आकर बोली, सुनिए क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? तब मैंने बोला, हाँ क्यों नहीं, आइए ना बैठिए। मैं उससे बात करना चाह ही रहा था लेकिन कैसे बोलूँ ये समझ नहीं आ रहा था। तब उसने ही शुरुआत कर दी, हाय मेरा नाम चेत्रा है, और तुम्हारा? रोहन। मेरा नाम पूछने के लिए धन्यवाद, मैंने जवाब दिया। चेत्रा ने कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। रोहन ने कहा, जी वो तो मुझे भी लगा, वैसे आप कहाँ जा रही हैं? तब चेत्रा ने कहा, मुझे एक रिसर्च के लिए खास फूल पुष्प की तलाश है, मैंने सुना है यहाँ से बहुत दूर एक जंगल में मिल सकता है, मैं वहीं जा रही हूँ। रोहन ने कहा, अरे ये कोई संजोग तो नहीं है, क्योंकि मैं भी पौधों की रिसर्च के लिए काम करता हूँ और मैं भी वहीं जा रहा हूँ। चेत्रा ने कहा, अच्छा कहीं आप मेरे साथ चलना चाहते हैं, इसीलिए तो ऐसा नहीं बोल रहे। ऐसा कहते हुए उसने अपने बैग से कुछ निकाला, मैं ढंग से देख नहीं पाया और तभी आपने मुझे जगा दिया। माँ ने कहा, अरे सॉरी बेटा। रोहन ने कहा, कोई बात नहीं मम्मी। माँ ने कहा, अच्छा तुम आज कहीं जाने वाले थे ना? रोहन ने कहा, अरे हाँ माँ मैं तो भूल ही गया, मेरे दोस्त वहाँ पहुँचने वाले होंगे, मुझे जल्दी से तैयार होना होगा। माँ ने कहा, अरे आराम से तुम तैयार हो जाओ, मैंने नाश्ता बना दिया है, मैं जरा मंदिर से होकर आती हूँ, तो जंगल जाने वाला है ना, तो तेरे लिए भगवान का प्रसाद लेकर आती हूँ। ये कहकर माँ चली गई और मैं जल्दी से तैयार होकर जाने की तैयारी करने लगा। कुछ देर बाद माँ ने कहा, ये लो बेटा प्रसाद। रोहन ने कहा, जल्दी दो माँ, मैं बहुत लेट हो गया हूँ, वहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। माँ ने कहा, अच्छा सुन, ये भगवान का लॉकेट है, इसे हमेशा अपने पास रखना, और ये कुमकुम है, ये भी तेरी रक्षा करेगा। रोहन ने कहा, क्या माँ मैंने आपसे कितनी बार कहा है मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता। माँ ने कहा, अच्छा मेरे लिए पहन ले। रोहन ने कहा, अच्छा दो माँ। मैंने उस लॉकेट को और उस कुमकुम को अपने बैग में डाल दिया। अच्छा माँ मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊँगा। माँ ने कहा, अच्छा जाते ही फोन करना। हाँ। रोहन ने कहा, ओके माँ कर दूंगा। ये कहकर मैं बस स्टॉप पर बस का इंतजार करने लगा और तभी बस आ गई। मैं जल्दी से बस में बैठ गया, सफर लंबा था तो मैं खिड़की वाले सीट पर बैठ गया। बस चलने लगी, थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने देखा एक लड़की बस में चढ़ने के लिए दौड़ रही है। मैंने बस को रुकवाया, वो बस पर चढ़ी, मैंने उसका चेहरा देखा तो वो बिल्कुल वही थी जिसे मैंने अपने सपने में देखा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, ये सपना तो नहीं। फिर वैसा ही हुआ जैसा मैंने सपने में देखा था। वो मेरे पास बैठी, मुझसे बातें की और मैंने उससे पूछा, चेत्रा तुम कौन से जंगल में जा रही हो? तब चेत्रा ने जवाब दिया, करलाई का जंगल।
रोहन ने कहा, ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। लगता है भगवान की भी यही मर्जी है कि हम साथ रहे। ये सब मैं मन में सोच ही रहा था और तभी मैं चेत्रा से बोला, अच्छा मैं भी वहीं जा रहा हूँ। चेत्रा ने कहा, कहीं तुम मेरे साथ रहने के लिए तो ऐसा नहीं बोल रहे? रोहन ने कहा, नहीं यार, मेरे साथ दो दोस्त भी वहाँ जा रहे हैं। तुम चाहो तो फोन लगा के पूछ सकती हो। चेत्रा ने कहा, ओ सॉरी, मुझे लगा तुम मेरा पीछा कर रहे हो। रोहन ने कहा, अरे कोई बात नहीं। चेत्रा अपने बैग से कुछ निकाल रही थी, तभी उसके बैग से कुछ अजीब सी चीजें नीचे गिरी, तो चेत्रा ने झटपट उसे उठा लिया और अपने बैग में छुपा लिया। रोहन ने कहा, चेत्रा वो चीज क्या थी, एकदम अजीब सी? चेत्रा ने कहा, कुछ नहीं, वो मेरे रिसर्च का हिस्सा है। मुझे लगा वो मुझसे कुछ छुपा रही है। तभी मुझे एहसास हुआ कि शाम हो चुकी है, सभी यात्री उतर चुके थे, सिर्फ हम दोनों बस में बैठे हैं। मुझे कुछ गड़बड़ सा लगा। मैं बाहर जाकर देखने लगा तो वहाँ लिखा था, करलाई के जंगल की सीमा समाप्त है और भूत बंगला क्षेत्र का जंगल प्रारंभ है, संभल कर, ये एरिया बहुत ही खतरनाक है। हम बस को रोकने के लिए ड्राइवर से कहने लगे, ये आप हमें कहाँ लेकर आ गए? करलाई का जंगल तो समाप्त हो गया, गाड़ी को घुमाओ, हमें वहाँ जाना था। ड्राइवर हमारी बातों को सुन ही नहीं रहा था, तो मैं सामने जाकर देखने लगा। मैं डर गया, ड्राइवर के स्थान पर कोई था ही नहीं और गाड़ी अपने आप चल रही थी। मैं भाग कर चेत्रा के पास आया। मैंने बोला, चेत्रा चलो चलो यहाँ से, ये बस अपने आप चल रही है। ये कहकर मैं चेत्रा को लेकर बस से कूद गया। हम जमीन पर गिर गए, हमें थोड़ी सी चोटें भी आई। तभी हमने देखा कि बस के सभी यात्री बस में ही बैठे हैं और हम पर हंस रहे हैं। बस हमें छोड़कर जा रही थी। बस को जाता देखकर चेत्रा और मैं उस बस में चढ़ने के लिए दौड़े, लेकिन वो तेजी से चल रही थी। हम बस में चढ़ ही नहीं पाए और बस काफी दूर निकल गई। चेत्रा ने कहा, अब क्या करें? रोहन ने कहा, रुको मुझे सोचने दो। तभी मेरे दोस्त का फोन आया, कहाँ पर है यार तू, हम कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। रोहन ने कहा, अरे यार हम ना करलाई के जंगल से बहुत दूर आ गए हैं, तुम लोग तो बुलेट पर हो, एक काम करो तुम यहीं आ जाओ, देखते हैं यहाँ पर वो दुर्लभ फूल मिलता है या नहीं। रोहन के दोस्त ने कहा, ठीक है तब तक तुम वहाँ रहने की व्यवस्था देखो, तब तक हम आते हैं। मैं और चेत्रा आगे बढ़ने लगे। आगे डरावनी आवाजें आ रही थी, चेत्रा थोड़ी डर रही थी। मैंने उसे दिलासा दिलाया कि यहाँ पर बस जीव जंतुओं की आवाजें गूंज रही है। तभी सामने एक महल दिखाई दिया जो बहुत पुराना था, थोड़ी सी लाइट जल रही थी, तो हमने सोचा वहाँ कोई रहता होगा जिससे हमें कुछ मदद मिल जाएगी। हम महल की ओर आगे बढ़ गए। वहाँ पहुँच कर हमने आवाज लगाई, कोई है? तब वहाँ से एक बुजुर्ग आदमी बाहर आया और बोला, कौन हो तुम, क्या चाहिए? चले जाओ यहाँ से, यहाँ जो भी आता है वापस नहीं जाता, अभी भी समय है, वो अभी जागा नहीं है, शायद तुम बच जाओ। चेत्रा डर के मारे मेरे हाथों को पकड़ लेती है। मैंने उसे समझाया, देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, ये ना बस हमें डराने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। रोहन ने कहा, देखिए अंकल हम रास्ता भटक गए हैं, सिर्फ आज रात के लिए हमें यहाँ रहने दीजिए ना, सुबह होते ही हम चले जाएंगे। अंकल ने कहा, अब तुम लोग खुद ही मरना चाहते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, आओ अंदर आ जाओ। हम बंगले के अंदर प्रवेश हुए। महल बाहर से जितना खराब दिखता था वो अंदर से वैसा नहीं था। फिर हम राज दरबार में पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद चेत्रा ने कहा, मुझे थोड़ा काम है और यहाँ मुझे थोड़ी घुटन भी महसूस हो रही है, मैं ऊपर छत पर थोड़ी देर टहल कर आती हूँ। मैंने कहा, ठीक है पर तुम जल्दी आना। हाँ, चेत्रा छत पर चली गई। सभी राजाओं की मूर्ति बनी थी और सामने एक आलीशान सिंहासन था। उसे जैसे ही मैंने देखा मैं उस पर मोहित हो गया। मैं उस पर बैठने ही वाला था कि उस बुजुर्ग आदमी ने मुझे रोका और बोला, क्या कर रहे हो तुम? ये महाराज भल्लाल देव का सिंहासन है, ये सिंहासन पिछले 100 वर्षों से श्रापित है, अगर तुम इस पर बैठ जाते तो इस सिंहासन का श्राप तुम्हें भी लग जाता। श्राप? किसने दिया ये श्राप? मैंने पूछा। तब उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, सुनना चाहते हो तो सुनो, आज से लगभग 100 साल पहले यहाँ के राजा भल्लाल देव थे, वो स्वभाव से एकदम कपटी और दुष्ट थे।
अपने राजकोष को भरने के लिए जनता को लूटते थे, उन्हें बहुत दुख देते थे। इस राज्य की हर जनता उन्हें राक्षस मानती थी। उसकी 3 पत्नियां थी, उनमें से 2 रानियों को पुत्र पैदा हुआ और छोटी वाली रानी को पुत्री। राजा को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उसने सबके सामने उसे मार डाला। लेकिन इस बात पर उसके वजीर को राजा पर बहुत गुस्सा आया। वजीर और छोटी महारानी एक दूसरे से बचपन से ही प्यार करते थे, लेकिन राजा ने जबरदस्ती उससे शादी कर ली थी और वजीर ने राजा को मारने की सौगंध खा ली थी। अमावस की रात थी, काली घटा छाई थी, वजीर के सर पर खून सवार था। वो राजा को मारने के लिए उसके कमरे में गया और उसने आप देखा नताव तलवार से जोर जोर से वार करता गया। लेकिन राजा को शायद उसके इरादों का पहले से ही पता चल गया था। वो वहां था ही नहीं, बल्कि उसके स्थान पर एक मूर्ति को अपने बिस्तर पर लिटा दिया था। तभी राजा ने वजीर को जमीन पर धकेल दिया और तलवार से उसे मार डाला। मरते वक्त वजीर ने राजा को श्राप दिया, जिस तरह तुमने मुझे और मेरे प्यार को मारा है, उसी तरह तू भी जिस चीज को सबसे ज्यादा प्यार करता है ना, वो सिंहासन आज से श्रापित है। जब भी तू उसे देखेगा उस पर मोहित हो जाएगा और जब तू उस सिंहासन पर बैठेगा तो तू खुद को मारने लगेगा और अगर तुझे कोई रोकेगा तो तू उसे भी मार डालेगा। ये कहकर वजीर मर गया। राजा सिंहासन पर बैठे बिना ज्यादा दिन तक नहीं रह पाया और एक दिन जैसे ही वो सिंहासन पर बैठा उस पर उस श्राप का असर हो गया। वो खुद को मारने लगा और मदद के लिए गुहार करने लगा। सब उसके कपटीपन और दुष्प्रभाव को देखकर उसे बचाने ही नहीं गए और अंत में जब वो मरने लगा तो उसने भी एक श्राप दिया कि तुम लोगों में से एक ने भी मुझे बचाने की कोशिश नहीं की तो मैं भी तुम सबको एक श्राप देता हूँ। जो भी सिंहासन पर बैठेगा मैं उसके शरीर में प्रवेश करके उसे मार डालूंगा और अगर मुझे किसी ने रोकने की कोशिश की तो मैं उसे भी मार दूंगा। ये कहकर राजा मर गए और तब से इस सिंहासन पर जो भी बैठना चाहता है राजा ने उसके शरीर में प्रवेश करके उसे मार डाला है। रोहन ने कहा, अच्छा हुआ जो आपने बता दिया, वरना मेरा तो राम नाम सत्य हो जाता अभी। क्या अंकल, मुझे डराने के लिए इतना बड़ा झूठ? ये 21वीं सदी है, यहाँ ना श्राप राप कुछ काम नहीं करता। बुजुर्ग आदमी ने कहा, होता है जब आत्मा रोती है और उस समय वो किसी को अगर श्राप देती है तो सच में होता है और आज भी होता है, तुम खुद देख लेना। तभी चेत्रा दौड़ कर नीचे आई और बोली, रोहन दूर से गाड़ी आ रही है, शायद तुम्हारे दोस्त है। रोहन ने कहा, चलो चलकर देखते हैं। हम सब बाहर दरवाजे पर खड़े होकर देखने लगे। सच में मेरे दोस्त केशव और माधव थे। मैंने बोला, कितनी देर लगा दी यार, चलो अब जल्दी से जंगल में चलते हैं। चेत्रा ने कहा, हाँ चलो जल्दी, अपना अपना बैग ले लो। रोहन ने कहा, तुम लोग अपना बैग पकड़ लो, मैं अपना बैग यहीं छोड़ देता हूँ क्योंकि इसमें हमारे खाने का सामान भी है। केशव और माधव बस हाँ में मुंडी हिलाते हैं। मुझे लगा शायद ये लोग थक गए हैं इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। मैं बुजुर्ग आदमी से कहने लगा, अच्छा चाचा हम सब थोड़ी देर में आते हैं। और हम जंगल में प्रवेश हुए। बहुत तलाश के बाद भी हमें वो फूल मिला ही नहीं, हम थक कर बैठ गए। तभी पीछे से चमकती हुई लाइट की प्रकाश आने लगी। हम उस रोशनी का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच गए। वहां हमने वो फूल देखा जिसकी हमें तलाश थी। रोहन ने कहा, मैं जाकर वो फूल तोड़ कर लाता हूँ। चेत्रा ने कहा, हाँ ठीक है। केशव ने कहा, रुक जा रोहन, उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। रोहन ने कहा, क्या बात कर रहा है केशव, इसके लिए तो हमने इतनी मुसीबतें झेली है और तू कह रहा है कि इस फूल को मत तोड़ो, क्या हो गया यार तुझे? केशव ने कहा, मैंने कहा ना उसे कोई नहीं तोड़ेगा, जो कोई भी उस फूल को तोड़ने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। मैंने नोटिस किया कि केशव के शरीर में धीरे धीरे बदलाव होने लगा था, उसकी आंखें लाल हो गई थी, अचानक वो एक प्रेत बन गया। हम डर गए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम भाग कर थोड़ी दूर आ गए, पीछे पीछे केशव भी आ रहा था हमें मारने के लिए।
तभी चेत्रा अपने बैग में से कुछ निकालती है। वो वही चीज थी जिसे मैंने अपने सपने में देखा था। उसे निकाल कर चेत्रा कुछ मंत्र पढ़ने लगी। तभी सामने केशव आकर बैठ गया और चेत्रा उससे पूछने लगी, कौन हो तुम? तभी मैंने बीच में रोक कर उससे पूछा, ये सब क्या है चेत्रा? तब चेत्रा ने बताया, रोहन ये एक तांत्रिक पुस्तक है जिसमें भूत को वश में करके उससे उसके जीवन के बारे में पूछा जा सकता है। तब चेत्रा ने केशव से बोला, बताओ कौन हो तुम? केशव ने कहा, जब रोहन ने हमें फोन किया तब हम तुम्हारे पास आने के लिए गाड़ी में बैठे। फिर हम महल से थोड़ी दूर पर थे, तभी हमने देखा दूर से एक रोशनी दिखाई दे रही थी। तब मैंने अपने दोस्त से कहा, चलो तो चलकर देखते हैं वो क्या चीज है। अगर वो वही फूल है जिसकी हमें तलाश है तो सोचो हम ये फूल अपने सर को दे देंगे तो हमारा प्रमोशन पक्का समझो। माधव ने कहा, अच्छा चलो देखते हैं। हम उस जगह पर पहुंच गए। वहां वो फूल चमक रहा था। मैं उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने उस फूल को तोड़कर वापस आने लगा, मैंने महसूस किया कि जिस जगह से हमने फूल तोड़े हैं वो जगह हिल रही थी। हम डर गए। फिर हमने अपने चारों ओर ध्यान से देखा तो पता चला कि हम शमशान में खड़े हैं और उस फूल वाली जगह से एक भयानक प्रेत उठकर खड़ा हो गया। हम भागने लगे। तभी वो हमारे सामने आ गया और कहने लगा, जो भी इस फूल को तोड़ना चाहेगा मैं उसे मार डालूंगा, ये मेरा फूल है। ये कहकर उस प्रेत ने हमें मार डाला और हमारा ये हाल हो गया। तुम हमें आजाद कर दो, हम चले जाएंगे। मैंने उन्हें जाने को कहा और चेत्रा से पूछा, चेत्रा चलो यहाँ से, हमें नहीं चाहिए वो फूल। चेत्रा ने कहा, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन मैं उस फूल को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। तब मैंने गुस्से से पूछा, आखिर क्यों चाहिए तुम्हें वो फूल? आखिर किस मकसद से तुम यहाँ आई हो, बताओ मुझे। तब चेत्रा ने जवाब दिया, अगर आज मुझे वो फूल नहीं मिला तो मेरी दीदी मर जाएगी। रोहन ने कहा, क्या? कैसे? उनका और इस फूल का क्या संबंध? चेत्रा ने कहा, संबंध है। मेरे दीदी के शरीर में एक प्रेत का गंदा रक्त फैल रहा है और अगर आज उन्हें उस फूल की औषधि नहीं मिली तो वो मर जाएगी। तो अब आगे क्या होगा? क्या चेत्रा को वो फूल मिल पाएगा? आगे की कहानी सुनेंगे अगले भाग में। चलिए तो अब हम हमारी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये सुनकर मैंने पूछा, कैसे? तब चेत्रा ने कहा, एक महीने पहले मेरी दीदी एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन पापा को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। लेकिन दीदी उस लड़के के प्यार में पागल हो गई थी। उन्होंने मंदिर में जाकर शादी करने का सोचा। दीदी ने अपना और उस लड़की का कुंडली मिलान किया। उस लड़के से उनकी कुंडली मांगी, लेकिन लड़का बहाने बनाता हुआ बोला, वो मेरी जन्म कुंडली तो खो गई है। दीदी ने कहा, नहीं, जब तक हमारी कुंडली नहीं मिल जाए तब तक हमारी शादी नहीं हो सकती। कुछ दिन बाद उस लड़के ने एक नकली कुंडली बनाकर दीदी को दे दी। दीदी अपनी और उस लड़की की कुंडली मिलाने के लिए पुजारी जी के पास पहुंची। जब वे मंदिर पहुंची तब उस लड़के ने बहाना बनाते हुए दीदी से कहा, तुम जाओ, मैं यही तुम्हारा इंतजार करता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। दीदी ने कहा, ठीक है तुम यही रुको, मैं पुजारी जी से मिलकर आती हूँ। दीदी पुजारी जी के पास पहुंची। पुजारी जी ध्यान में थे। दीदी के चलने की आहट से उन्होंने अपनी आंखें खोली। पुजारी जी को बहुत सारी विद्याएं आती थी। जब दीदी ने उस लड़के का और अपनी कुंडली का मिलान करवाने के लिए पुजारी जी को दिया तो उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से ये जान लिया कि ये लड़का इंसान है ही नहीं बल्कि एक शैतान है। उन्होंने दीदी को आगाह किया, बेटी इससे शादी मत करो, ये एक प्रेत है। ये भोली भाली लड़कियों को फंसा कर अपना शिकार बनाता है और अमावस्या के दिन उस लड़की की बलि दे देता है। आज तक उसने 99 लड़कियों की बलि दे दी है। अगर एक लड़की की बलि उसने और दे दी तो वो और ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा और कई सारी लड़कियों को अपना शिकार बनाएगा और फिर उसे रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। दीदी भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करती थी। वो हंसते हुए कहती है, बाबा ये 21वीं सदी है, यहाँ भूत प्रेत कुछ नहीं होता। ये कहकर दीदी जाने लगी। तब पुजारी जी ने उसे सावधान किया, बेटी तुम अभी मेरी बात का विश्वास नहीं करोगी क्योंकि तुम्हें उस शैतान ने अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं,
आज अमावस्या है और आज वो तुम्हारी बलि देने के लिए जाएगा और तब तुम्हें पता चलेगा। दीदी को एक माला देते हुए पुजारी जी ने कहा, ये रुद्राक्ष की माला है, जब वो शैतान तुम्हारी बलि देने वाला हो तब ये माला उस प्रेत के गले में डाल देना, वो थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो जाएगा, तब तुम वहाँ से भाग जाना। बलि ना मिलने पर उसका देवता नाराज हो जाएगा और उस प्रेत को खा जाएगा। बड़ी मुश्किल से दीदी ने उस माला को अपने पास रखा और उस इंसान बने प्रेत के साथ चली गई। उस प्रेत ने पहले दीदी का शिकार किया और उनकी बलि देने के लिए ले जाने लगा। तब दीदी को यकीन हुआ कि ये शैतान है, अब मैं क्या करूं? तभी दीदी को उस पुजारी जी की बात याद आई। पुजारी जी ने जैसा कहा वैसा ही दीदी ने करने की ठानी। दीदी ने प्रण लिया कि आज इस शैतान को मार कर ही वापस जाऊंगी, भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए, मैं इसे और लड़कियों की जिंदगियों को बर्बाद नहीं करने दूंगी। जब वो प्रेत दीदी की बलि देने वाला था तब दीदी ने वो माला उस प्रेत के गले में डाल दी। प्रेत मूर्छित हो गया और दीदी वहाँ से भाग गई। बलि ना मिलने पर उस प्रेत के भगवान ने नाराज होकर उस प्रेत को खाने लगा। इधर दीदी उस प्रेत की शिकार हो गई थी, वो बहुत कमजोर पड़ गई थी। वो बड़ी मुश्किल से घर पहुंची। तब मैं उसे देखकर जल्दी से अंदर ले आई और बेड पर लेटाया और दीदी से पूछा, दीदी ये सब क्या है, आपकी ऐसी हालत कैसे हुई? तब दीदी ने मुझे सब कुछ बताया और कहा, लगता है अब मैं भी मरने वाली हूँ, तुम उस पुजारी जी को बुलाओ, अब वो ही कोई उपाय बताएंगे। मैं पुजारी जी को बुला कर लाई और दीदी का इलाज करने के लिए कहा। दीदी की हालत को देखकर पुजारी जी बोले, तुम्हारी दीदी की हालत बहुत गंभीर हो चुकी है, इसके शरीर में उस प्रेत का गंदा रक्त धीरे धीरे फैल रहा है, इसका बचना बहुत मुश्किल है। चेत्रा ने कहा, लेकिन दीदी को बचाने का कोई ना कोई तो उपाय होगा ना पुजारी जी? पुजारी जी ने कहा, हाँ एक उपाय है, लेकिन उस दवाई को लाना बहुत मुश्किल है, या यूं कहे कि नामुमकिन है। चेत्रा ने कहा, अब बताइए तो, मैं लेकर आऊंगी उस दवाई को। पुजारी जी ने कहा, तो सुनो, यहाँ से दूर एक जंगल में 100 साल से मरे व्यक्ति की कब्र से एक फूल उगता है, अगर वो फूल मिल जाए तो तुम्हारी दीदी की जान बच सकती है, लेकिन उस फूल की रक्षा उस कब्र का शैतान करता है, जो भी उस फूल को तोड़ने की कोशिश करेगा वो शैतान उसे मार डालेगा। चेत्रा ने कहा, तो उस फूल को लाने का कोई उपाय नहीं है? पुजारी जी ने कहा, है, उस शैतान की शक्ति का सामना एक सच्चा प्रेमी ही कर सकता है, जब वो उस फूल को तोड़ेगा तो कुछ देर तक उस शैतान की शक्ति का असर तुम लोगों पर होगा ही नहीं, और उसी मौके का फायदा उठाकर तुम लोग वहाँ से भाग जाना। और एक बात और, वो फूल अमावस्या की रात तक मिल जाना चाहिए, वरना तुम्हारी दीदी का बचना असंभव है। चेत्रा ने कहा, मैं कई दिनों तक किसी सच्चे प्रेमी की तलाश करती रही कि कोई तो मेरी मदद करेगा, लेकिन जब किसी ने भी मेरी मदद नहीं की तो मैं खुद इस काम को करने के लिए आगे बढ़ी और यहाँ आ गई। मैं जा रही हूँ उस फूल को तोड़ने के लिए। रोहन ने कहा, नहीं तुम नहीं जाओगी, मैंने कहा ना। चेत्रा ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी तो कौन जाएगा? रोहन ने कहा, मैं जाऊंगा। चेत्रा ने कहा, तुम क्यों जाना चाहते हो? रोहन ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुमसे प्यार करने लगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम यहाँ रुको, मैं उस फूल को तोड़ कर लाता हूँ, मैं तो तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ ना, देखते हैं मैं उस फूल को तोड़ कर ला पाता हूँ या नहीं। मैं उस फूल को तोड़ कर वापिस आने लगा। वो प्रेत मेरे प्यार के आगे कुछ नहीं कर पाया और हम जल्दी से महल की ओर भागने लगे। महल में पहुँच कर हमने दरवाजा बंद कर दिया और मैंने चित्रा से कहा, हम अभी यहाँ से वापस जाएंगे, वो भल्लाल देव का कब्र था, वो यहाँ भी आ सकता है, हमें जल्दी ही यहाँ से जाना होगा। तुम यहाँ रुको, मैं अपना बैग लेकर आता हूँ, हम इसी वक्त यहाँ से चले जाएंगे। चेत्रा ने कहा, हाँ आज अमावस्या है, अगर आज हम समय पर ये दवाई दीदी को ना दे सके तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। रोहन ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम समय पर पहुँच जाएंगे, तुम यहाँ रुको मैं अपना बैग लेकर आता हूँ। मैं बैग लेने अंदर चला गया और वापस आया तो मैंने देखा मौत हमारे सिर पर मंडरा रही थी। मेरे जाने के बाद चेत्रा ने उस सिंहासन को देखा और उस पर मोहित हो गई और उस सिंहासन पर जाकर बैठ गई और उसके शरीर में भल्लाल देव की आत्मा
प्रवेश कर गई। वो जोर जोर से हंसने लगा। तुम दोनों ने मेरा फूल चुराया है और मेरे सिंहासन पर भी बैठ गए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर चेत्रा के शरीर में प्रवेश कर भल्लाल देव की आत्मा चेत्रा के शरीर को खत्म करने की कोशिश करने लगी। मैं बैग वहीं पर छोड़कर उसे रोकने लगा। ये देखकर वो प्रेत मुझे मारने के लिए दौड़ा। मैं तो चेत्रा के ऊपर हाथ नहीं रख सकता था क्योंकि मैं उससे प्यार करता था और वो प्रेत इसी बात का फायदा उठा रहा था। अचानक उसने मुझे जोर से एक मुक्का मारा और मैं अपने बैग के ऊपर जा गिरा। तभी उसने मुझे फिर से मारने के लिए हाथ लगाया तो उसे जैसे करंट लगा और वो दूर जाकर गिर पड़ा। मैं हैरान हो गया, ये चमत्कार कैसे हुआ। तब मुझे याद आया कि मैं जब उस बैग के ऊपर गिरा तो माँ का दिया लॉकेट मेरे हाथ में आ गया है, जिसे माँ ने मुझे हमेशा से पहनने के लिए कहा था। लेकिन पहले मुझे उस लॉकेट पर भरोसा नहीं था, पर अब होने लगा था। उस लॉकेट को मैंने अपने गले में पहन लिया और कुमकुम को जेब में छुपा लिया। वो प्रेत मुझे फिर मारने आया लेकिन मुझे छू तक नहीं पाया। तब उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं मार सकता तो क्या हुआ, मैं इस लड़की को तो मार ही सकता हूँ ना। तभी वो प्रेत तलवार से चेत्रा की गर्दन पर वार करने ही वाला था कि मैंने अपनी जेब में रखा कुमकुम चेत्रा के शरीर पर छिड़क दिया। चेत्रा शांत हो गई। लगता है जैसे उसके शरीर से वो प्रेत चला गया। चेत्रा बेहोश हो गई। मैंने उस पर पानी छिड़क कर उसे होश में लाया और उससे पूछा, तुम ठीक हो। चेत्रा ने कहा, मैं ठीक हूँ। चलो इस फूल को पुजारी तक पहुँचाना है जिससे मेरी दीदी की जान बच सके। आज रात तक का ही समय है हमारे पास मेरी दीदी को बचाने के लिए। रोहन ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम समय पर पहुंच जाएंगे। हम बुलेट पर बैठकर वो इलाका पार करने वाले थे कि हमने देखा सामने वो प्रेत तलवार लिए खड़ा है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब मुझे अपने गले में पड़े उस लॉकेट की याद आई। मैंने वो लॉकेट उस प्रेत के गले में फेंक दिया। उस प्रेत के गले में जब वो लॉकेट गिरा तो लॉकेट की शक्ति से वो प्रेत समाप्त हो गया। हम वापस आ गए। चेत्रा की दीदी को हमने सही समय पर बचा लिया और फिर कुछ दिनों बाद हम दोनों ने शादी कर ली। आज 3 साल हो गए, हम खुशी से अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन जब भी हम उस हादसे के बारे में सोचते हैं तो दिल दहल जाता है। हमारा एक बेटा है 2 साल का। सच में उस लॉकेट ने और हमारे प्यार की शक्ति ने हमारी जान बचाई। वो हमारा कवच था जिसने हमें उन काली शक्तियों से बचा लिया। एक दिन मैंने एक सपना देखा। हम दोनों एक बस पर बैठकर जंगल जा रहे थे। हम दोनों दुखी थे। मेरे हाथ में एक लेटर और वो लॉकेट था जिससे मैंने उस प्रेत को खत्म किया था। उस खत में लिखा था, 3 साल बाद लौट आया हूँ मैं तुम दोनों से बदला लेने। तो क्या अभी कहानी फिर से वैसे ही शुरू होगी जैसे पहले हुई थी, आपको क्या लगता है। चलिए तो आगे की कहानी सुनेंगे अगले भाग में। मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत करना प्लीज, मैं तुम्हारे पाँव पकड़ता हूँ। नहीं नहीं, मेरे बेटे को छोड़ दो। आज 3 साल हो गए उस हादसे को हुए। हम दोनों ने उसे भुलाने की बहुत कोशिश की लेकिन भुला नहीं पाए। जब भी उस हादसे की याद आती है तो रूह कांप जाती है। खैर छोड़िए अभी इन सब बातों को। चेत्रा और मेरी शादी होने के बाद हमारा एक प्यारा सा बच्चा हुआ। वो बहुत खूबसूरत था। जब नर्स ने उसे उठाकर मुझे देने आई तो वो रोने लगा। तब मैंने पुचकारते हुए उसे अपनी गोद में उठाया। मेरी गोद में लेते ही उसका रोना बंद हो गया और वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल चेत्रा जैसी थी और उसका चेहरा मेरे जैसा। देखो चेत्रा कितना प्यारा बच्चा है, मैं चहकते हुए चेत्रा से बोला। हाँ आखिर बेटा किसका है, चेत्रा हंसते हुए बोली। रोहन कहता है। हाँ वो तो है। अच्छा अब हम इसका एक प्यारा सा नाम रख देते हैं, चेत्रा ने कहा। मुझे तो कोई नाम याद नहीं आ रहा, तुम कोई अच्छा सा नाम बताओ। रोहन ने कहा। समन नाम कैसा रहेगा, चेत्रा ने कहा। हाँ नाम तो बहुत अच्छा है, तो ठीक है अब से हमारे बेटे का नाम होगा समन। हम दोनों समन के प्यार में उस हादसे को भूल गए। धीरे धीरे समन 2 साल का हो गया। आज समन का बर्थडे था। सुबह से ही हमने घर को सजाना चालू कर दिया था। रात में हमने समन को एक सुंदर सी ड्रेस पहनाकर केक कटवाने ले आए। मेरे और चेत्रा के सारे फ्रेंड्स वहाँ पर थे, सभी हैप्पी बर्थडे टू यू गाना गा रहे थे। तब मैंने समन का हाथ पकड़कर केक कटवाया। हमने बहुत देर तक एंजॉय किया। तभी समन के मुंह से एक ऐसा वर्ड निकला जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था और वो वर्ड था पापा। अक्सर सभी बच्चे अपने मुंह से पहला वर्ड माँ पुकारते हैं, लेकिन समन ने मुझे पापा कहकर पुकारा।
मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। रात के 1 बज गए थे। धीरे धीरे सभी मेहमान चले गए। चित्रा समन को सुलाकर वापस आई। हम दोनों बिस्तर पर लेट गए। दिन भर में थकान से हमारी नींद कब लग गई पता ही नहीं चला, लेकिन सुबह चित्रा की आंखों में आंसू बह रहे थे और मेरी भी आंखों में आंसू थे। मेरे हाथ में एक लेटर था और एक लॉकेट, वही लॉकेट जिससे हमने भल्लाल देव की आत्मा को खत्म किया था। उस लेटर में लिखा था, आई एम बैक, 3 साल बाद मैं वापस आ गया हूँ तुम लोगों से बदला लेने के लिए। तुम्हारे किए की सजा पहले किसी और को भुगतनी होगी और फिर तुम्हारी बारी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं चिल्लाकर बोला। चित्रा ने कहा, क्या हुआ रोहन, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, कोई बुरा सपना देखा क्या? रोहन ने कहा, क्या ये सपना था? कितना डरावना था। इस सपने ने तो मुझे उस हादसे की याद फिर से दिला दी। रोहन पसीने से तर बतर हो गया। रोहन ने कहा, समन कहाँ है? चित्रा, समन कहाँ है? चित्रा ने कहा, रिलैक्स रोहन, समन अभी सो रहा होगा, तुम यहीं रुको, मैं उसे लेकर आती हूँ। चित्रा अंदर जाती है। कुछ ही देर में चित्रा की चीख सुनाई देती है। रोहन दौड़ते हुए समन के कमरे में पहुंचता है। वहां चित्रा और रोहन दोनों हैरान नजरों से समन के बेड को देखते हैं। समन उस कमरे से गायब था। हम दोनों बेचैनी से समन को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो नहीं मिला। चित्रा बेहोश हो गई। मैं चित्रा को होश में लाने के लिए पानी का गिलास ढूंढने लगा। पानी टेबल पर रखा था, मैं उसे लेने के लिए गया। उसे उठाकर आने लगा तो मेरी नजर एक लेटर पर पड़ी। मैंने उसे उठाया, उसमें से एक लॉकेट नीचे गिरा। लॉकेट देखकर मैं डर गया। ये तो वही लॉकेट है जिससे हमने उस शैतान भल्लाल देव का अंत किया था। मैं उस लेटर को पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, हैरान हो गए ना इस लॉकेट को देखकर, बहुत खुशियां मना रहे थे, आज से तुम दोनों की उल्टी गिनती शुरू, मैं वापस आ गया हूँ। और एक बात और, तुम्हारा प्यारा बच्चा समन मेरे पास है, अगर उसे दोबारा देखना चाहते हो तो वापस उस जंगल में आ जाओ, तुम्हारे साथ एक गेम खेलना है। और हाँ, जल्दी आना, नहीं तो तुम्हारे बच्चे को मैं खा जाऊंगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तभी मुझे चित्रा की याद आई। मैंने उसे होश मिलाया और उसे लेटर के बारे में बताया। तब मैंने एक फैसला लिया। मैंने अपना बैग पैक किया और अपने बेटे को शैतान से बचाने के लिए निकल गया। रोहन घर से निकलने ही वाला था कि चित्रा ने उसे रोका और बोली, रोहन मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। रोहन ने कहा, नहीं मैं अकेला ही जाऊंगा, तुम वहां मुसीबत में बढ़ सकती हो। चित्रा ने कहा, जो भी हो जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। रोहन ने कहा, तो चलो फिर देखते हैं कौन हमारे बेटे को हमसे दूर कर पाता है। तभी रोहन की माँ का फोन आया। हाँ मम्मी, बोलो। माँ ने कहा, बेटा सुन, मेरा जी बहुत घबरा रहा है, मैंने जो तुम्हें समन को जन्म के समय पहनाने के लिए वो सूर्य कवच दिया था ना, उसे तुमने समन को पहनाया है ना? रोहन ने कहा, माँ वो बात ऐसी है कि। माँ ने कहा, क्या बात है, साफ साफ बताओ बेटा। रोहन उन्हें सारी बात बताता है। माँ कहती है, हे भगवान अब क्या होगा? रोहन कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, हम जा रहे हैं अपने बेटे को बचाने। माँ ने कहा, सुनो अपने साथ उस सूर्य कवच को भी ले जाना, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। सुनसान रात, जहाँ हजारों सियारों की रोने की आवाजें आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ चील और गिद्ध की आवाज मन में खौफ पैदा कर रही थी। रोहन फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था कि रोहन ने देखा सामने समन जमीन पर बैठा है। उसने अचानक से ब्रेक मारा। चित्रा ने कहा, क्या हुआ रोहन? रोहन ने कहा, वो आगे जमीन पर समन बैठा है। चित्रा ने कहा, वो तुम्हारा वहम होगा, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दिया। जल्दी चलो, हमें वहां जल्द से जल्द पहुंचना है, पता नहीं मेरा बेटा कैसा होगा। रात के 1 बजे दोनों करलाई के जंगल में प्रवेश करते हैं, लेकिन तभी अचानक उनकी गाड़ी रुक जाती है। चित्रा ने कहा,
अब ये गाड़ी को क्या हुआ? रोहन ने कहा, पता नहीं, मैं चेक करता हूँ। रोहन गाड़ी को चेक कर रहा था कि तभी एक आवाज आई, पापा। समन, समन कहाँ हो तुम? रोहन बेचैन हो उठा। चेत्रा ने कहा, क्या हुआ रोहन, तुम ऐसे क्यों चिल्लाए? रोहन ने कहा, समन की आवाज मुझे सुनाई दी, हमें जल्दी से महल पहुंचना होगा, चलो जल्दी गाड़ी में बैठो। थोड़ी ही देर में गाड़ी स्टार्ट हो गई, दोनों महल की तरफ बढ़े। बंगले पर जाकर गाड़ी रुक गए, दोनों महल में प्रवेश हुए। रोहन जोर से चिल्लाया, लो मैं आ गया, मेरे बेटे को छोड़ दो, चाहो तो मेरी जान ले लो। तब एक आवाज आई, आ गए तुम, लगता है तुम्हें अपने बेटे से प्यार नहीं है, तभी इतनी देर लगाई आने में। रोहन ने कहा, छोड़ दो मेरे बेटे को। छोड़ दूंगा, पर उससे पहले एक खेल तो हो जाए। खेल? कैसा खेल? रोहन हैरानी से बोला, मौत का खेल, अगर जीत गए तो तुम्हारा बेटा बच जाएगा, नहीं तो। रोहन ने कहा, ठीक है बताओ क्या करना है। पास में दो कब्रिस्तान है, तुम दोनों को वहाँ से एक एक फूल लाना होगा, जो 100 साल में केवल एक ही बार खिलता है, और वो भी आधे घंटे के अंदर। अगर देर हुई तो इसका अंजाम तो तुम जानते ही हो। रोहन और चित्रा अलग अलग कब्रिस्तान में जाने के लिए तैयार हुए। रोहन चित्रा को सूर्य कवच देते हुए बोला, ये लो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा चित्रा। चित्रा ने कहा, और तुम? रोहन ने कहा, मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, चलो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। चित्रा कब्रिस्तान में प्रवेश हुई। वहाँ का नजारा बेहद खौफनाक और डरावना था। वो डरते डरते आगे बढ़ने लगी, तभी उसे वो दिव्य फूल दिखाई दिया। वो और आगे बढ़ने लगी, तभी सारे शैतान उसे घेर कर खड़े हो गए और एक साथ उसकी तरफ बढ़ने लगे। चलो जो होगा देखा जाएगा, अपने बेटे को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ऐसा कहकर चित्रा भगवान का नाम लेकर सूर्य कवच को आगे करके बढ़ने लगी। सूर्य कवच की शक्ति से वो टिक नहीं पाए और उसकी रोशनी में गायब हो गए। इधर रोहन दूसरे कब्रिस्तान में प्रवेश हुआ। कुछ देर की तलाश के बाद उसे वो फूल दिखाई दिया। वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो फूल तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, किसी ने उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। वो शैतान थे। फिर देखते ही देखते वहाँ कई सारे शैतान आ गए। सभी शैतान उसके ऊपर वार करने के लिए दौड़े। तभी चित्रा ने सूर्य कवच रोहन की ओर फेंका, जिससे शैतान उसे छूते ही भस्म हो गए। दोनों वापस महल में पहुंचे। देखो शैतान, हम फूल ले आए, अब तुम हमारे बच्चे को छोड़ दो। छोड़ दूंगा, इतनी भी क्या जल्दी है, उस फूल को इस थाली में रख दो जिसमें राख पड़ी है। रोहन ने कहा, लो रख दिया। अच्छा, अब जरा सजा भी तो भुगतो। इतना कहते ही सारे शैतान उनकी ओर आगे बढ़ने लगे। रोहन ने उन्हें सूर्य कवच से नष्ट करना चाहा, लेकिन उसका उन पर कोई असर ही नहीं हुआ, बल्कि उनसे होकर वो लॉकेट जमीन पर गिर पड़ा। मुझे ताल में कुछ काला लग रहा है, रोहन ने चित्रा से कहा, तुम इन लोगों का ध्यान भटकाओ, मैं पता लगाता हूँ क्या माजरा है। चित्रा उन लोगों का ध्यान भटकाने लगी और रोहन सभी कमरों की तलाशी करने लगा। तभी एक कमरे में जाकर ठिटक गया, वहाँ तो कोई और ही खेल चल रहा था। उस कमरे में एक और हवन चल रहा था और दूसरी ओर एक आदमी कंप्यूटर के साथ बैठा था। रोहन उसे पकड़ने के लिए दौड़ा और बोला, अच्छा बेटा, इन सबके पीछे तेरा हाथ है? उतने में चित्रा भी आ गई। हाँ, इन सबके पीछे मेरा ही हाथ है, तुम्हारे बच्चे को अगवा कर तुम्हें यहाँ बुलाया और उस दिव्य फूल को पाना और तुमसे बदला लेना। बदला? किस बात का बदला, हम तो तुम्हें जानते भी नहीं है। रोहन हैरानी से बोला, पिछली बार जब तुम लोग यहाँ आए थे तो यहाँ एक बुजुर्ग आदमी था, वो मेरे पिताजी थे, हम इस राज परिवार के वफादार हैं, इसलिए जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला तुम दोनों ने हमारे महाराज को मार दिया है, इसलिए मैं तुमसे बदला लेना चाहता था, और आज मेरा सपना पूरा हो जाएगा। वो थाली जिसमें तुम लोगों ने फूल रखा है, उसमें भल्लाल देव की अस्थियां हैं, जो उस दिव्य फूल से पुनर्जीवित हो जाएगी। और फिर? रोहन ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा,
मैं जब यहाँ आया तभी समझ गया था कि तुम कोई महाराज के भूत वूत नहीं हो, क्योंकि अगर वो होता तो वो हमें मार देता, हमारे सामने आता। तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया है, अब सड़ना तुम जेल में। चेत्रा ने कहा, रोहन समन कहाँ है? रोहन ने कहा, बता कहाँ रखा है तूने मेरे बेटे को? नहीं बताऊंगा, ढूंढ लो नहीं मिलेगा। उस आदमी को बांध कर दोनों अपने बेटे को ढूंढने लगे। हर कमरे को अच्छी तरह से तलाश करने के बाद भी समन कहीं नहीं मिला। दोनों खोज खोज कर थक गए। तभी एक हल्की सी आवाज आई, पापा। समन, समन, समन यही है, चेत्रा ने कहा। वो देखो, वो सिंहासन पहले की स्थिति में नहीं है, शायद वो कोई रास्ता हो। रोहन ने जैसे ही उसे घुमाया एक दरवाजा खुल गया जिसमें समन बैठकर रो रहा था। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और भी डरावनी, भूतिया, रहस्यमय कहानियों को सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।